नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने यही सुना होगा जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्यों के बारे में कि ये जुड़वा होते हैं, राइट? तो केमिस्ट्री, जो हमारा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, इसमें भी कुछ जो पीरियाडिक टेबल है, आवर्तारी है, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हम जुड़वा तत्व के नाम से जानते हैं, राइट? तो डू यू नो व्हाट आर केमिकल ट्विन्स एलिमेंट? सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल ट्विन्स एलिमेंट, रासायनिक जुड़वा तत्व। तो लेट अस स्टार्ट रासायनिक जुड़वा तत्व, केमिकल ट्विन्स एलिमेंट। तो दोस्तों, इसकी डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ केमिकल ट्विन्स एलिमेंट? तो परिभाषा है इसकी, देखिए, समान परमाणु त्रिज्या वाले ऐसे तत्व जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक जुड़वा तत्व कहलाते हैं। समान परमाणु त्रिज्या वाले ऐसे तत्व जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? रासायनिक जुड़वा तत्व। ठीक, those elements which physical and chemical properties are same due to their same atomic radii, right? Those elements with physical and chemical properties are same due to their same atomic radii are called केमिकल ट्विन्स एलिमेंट। क्लियर है? तो आइए जानते हैं ये तत्व कौन से होते हैं और पीरियाडिक टेबल में कहां स्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट में इनको देखिए चार श्रेणियों में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और क्या 6D श्रेणी। इसमें कौन कौन से तत्व हैं?
ये सभी दोस्तों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब देखें इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है परमाणु त्रिज्याएं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती है। अच्छा, घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। आवर्त सारणी में ऐसा ही होता है, जब हम आवर्त में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो 5d श्रेणी का तत्व है लैंथेनम, लैंथेनम से आगे के 14 तत्व और एक्टिनियम से आगे के 14 तत्व, ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, राइट। अच्छा, तो जब ऊपर से नीचे यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन दोस्तों 3d श्रेणी और 4d श्रेणी के तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं में तो अंतर होता है, परंतु 4d श्रेणी और 5d श्रेणी के जो तत्व हैं इनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। तो ड्यू टू दैट रीजन जो 4d श्रेणी के जर्मेनियम, हाफमेनियम, नियोबियम, टैंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, राइट, टेक्नीशियम, रियोडियम, ये जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, ये रासायनिक जुड़वा तत्व कहलाते हैं। दे आर नोन एज केमिकल ट्विन्स एलिमेंट। क्लियर है, तो जान लीजिए जर्मेनियम, हाफमेनियम, नियोबियम, टैंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम और रियोडियम, ये रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कहलाते हैं। ठीक बात है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।